टीनेजर मोटी छोटी चैलेंज सीरीज डे थर्ड मैं आपको ऑयल के बारे में मैं बताने वाली हूँ। ये ऑयल मैंने रेडी किया है और इस ऑयल का आज मैं आपको एप्लीकेशन दे रही हूँ। इस ऑयल को प्रिपेयर कैसे किया है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो अभी आप पहले एप्लीकेशन पूरा देख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में कल मैं आपको इसका जो है ऑयल बनाने का तरीका बता दूँगी। ये ऑयल रेडी है, अब हम इसका एप्लीकेशन करने वाले हैं। ऑयल का पूरा आपने देख लिया किस तरह से मैंने इसे प्रिपेयर किया है। सो अब बात कर लेते हैं कि जो भी टीनेजर हैं वो ऑयल लगाने से पहले और ऑयल लगाने के बाद में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, ऑयल लगाने से पहले देखिए अपने बालों को अच्छे से टैंगल फ्री करें, बालों को सुलझा लीजिएगा अच्छे से। ओके, सुलझाने के बाद में आप लोग फिंगर टिप से मसाज करिए, कॉम्बिंग मसाज करिए एंड इन्वर्जन मैथड करिए। ये चारों प्रोसीजर करिए जो कि मैंने इस सीरीज़ में टीनेजर मोटी छोटी चैलेंज सीरीज़ के डे वन में आपको पूरा डिटेल में बताया है। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, प्लेलिस्ट में फोल्डर बना दिया है टीनेजर सीरीज़ नाम, टीनेजर मोटी छोटी चैलेंज सीरीज़ के नाम से, उसमें आपको डे वन की वीडियो मिल जाएगी। तो उसको आप देख लें एंड वो करने के बाद में अब हम ऑयल लगाएंगे। ठीक है, सो ये ऑयल बहुत ज़्यादा अमेजिंग है टीनेजर के लिए, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, टीनेजर्स जो हैं लड़कियां हैं जैसे 10 साल से ये जो तेल है ये सब लगा सकते हैं, 8 साल से लेके बाकी सभी एज ग्रुप वाले ऑयल को लगा सकते हैं, चाहे टीनेजर हैं या नहीं हैं तो भी लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि गर्ल्स जो होती हैं उनको देखिए एक तो स्कूल एवरी डे जाना होता है ना, तो उनको टाइम नहीं मिलता। काफ़ी लड़कियां हैं जो हफ्ते में सिर्फ एक दिन संडे के दिन अपने बालों को वॉश करती हैं, बाकी पूरे हफ्ते वॉश नहीं करती हैं। ठीक है, काफ़ी गर्ल्स हैं। और हाँ, सेकंड चीज़ क्या है कि लड़कियां अपने बालों को खुला बहुत रखती है, ओपन रखती हैं, बस क्लचर लगा लिया या फिर हेयर बन चोटी बांध ली पर बाल पूरे ओपन खुले रहते हैं, तो उनके जो बाल हैं ना बहुत ज़्यादा फ्रेजी होते हैं, बहुत ड्राई होते हैं और स्कैल्प बालों का जो मॉइस्चर है वो पूरा गायब हो जाता है ना, तो उसकी वजह से उनके बाल है वो काफ़ी ज़्यादा रफ नज़र आते हैं। ओके, तो ये जो तेल है ये बालों में मॉइस्चर को लॉक रखेगा, बालों को मॉइस्चराइज रखेगा। ओके, एंड इसके साथ में आपके जो बाल हैं वो नरिशमेंट रहेंगे, हेयर फॉल नहीं होगा और बाल सिल्की स्मूथ रहेंगे। ठीक है, सो आप लोगों ने अगर मेरा चिश ब्यूटी ट्रिपल फास्ट हेयर ऑयल खरीद लिया है तो आप लोग सभी इसी ऑयल को बाय करिए, इसी ऑयल को लगाइएगा। ठीक है, ये ऑयल टीनेजर के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए है, मतलब 10 साल से ऊपर सब लोग इसे ऑयल को लगा सकते हैं। और जिन्होंने ऑयल मेरा नहीं लिया है वो लोग मेरा DIY ऑयल ही ये वाला यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं लिया और आप लेना चाहते हैं तो आप इस ऑयल को अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर खरीदना, ज़रूर बाय करना और ज़रूर लगाना। इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा सुपर्ब है, अमेजिंग रिज़ल्ट है। जितने लोगों ने अभी तक बाय किया है सबके 100% रिज़ल्ट आए हैं, है ना। तो आप लोग इस ऑयल को ज़रूर अपनी लाइफ में एक बार लेना, क्योंकि आप मार्केट्स के दूसरे ऑयल तो खरीदते हैं, लगाते भी हैं, है ना, बट ये जो इतनी जिसकी प्योरिटी है एंड रिज़ल्ट 100% है इसके, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। इस ऑयल को कैसे ख़रीदना है वो भी सुन लीजिए। इस ऑयल को लेने सो गाइस, इस ऑयल को हम लोग अब जल्दी जल्दी लगा लेंगे। काफ़ी ऑयल मैंने लगा लिया है, वीडियो मैं स्टार्ट करना भूल गई थी, पता नहीं क्या हुआ, मिस्टेक कुछ हो गया तो वीडियो आई नहीं, तो मैंने ऑयल भी देखो काफ़ी सारा लगा लिया। कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, ये ऑयल लेना है पूरा स्कैल्प में अच्छे से लगाना है। ठीक है, स्कैल्प में लगाकर पूरी लेंथ के ऊपर लगाइएगा। स्कैल्प में देखिए इस तरह से आपको ऑयल लेना है और अपने पूरे स्कैल्प में हर जगह लगाइए, जहाँ पर बाल कम है वहाँ पर आपको ज़रूर फोकस करना है अच्छे से, है ना, ताकि आपके बाल हैं वहाँ पर ग्रोथ हो सके। पहले स्कैल्प में पूरे में लगा लीजिए सब जगह, उसके बाद में आपको क्या करना है, बाद में मसाज करेंगे, एक बार के लिए हम सब जगह लगा लेंगे आगे पीछे जहाँ जहाँ बाल कम है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना बीच में ये जो होता है क्राउन एरिया, यहाँ पर बाल बहुत ज़्यादा लोगों के कम होते हैं, तो इधर की तरफ आपको फोकस ज़्यादा करना है और एक यहाँ फोकस ज़्यादा करना है, या अच्छे से मसाज देनी है ताकि आपके बाल हैं वो यहाँ पर कम ना हो, या ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज रहे, चलता रहे। ठीक है, यहाँ और एक यहाँ पर। ठीक है, ये हमने लगा लिया तेल हमारे इसके ऊपर और अब हम हमारी लेंथ के ऊपर लगाएंगे। लेंथ के ऊपर आपको पूरा बालों को अच्छे से कवर करना है, पूरी लेंथ के ऊपर मॉइस्चराइज करना है। इस तरह से बालों को लगाइए, छोटे छोटे पार्टीशन में करके डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। और इसके अंदर ये ध्यान रखिए कि आपके बाल है ना, गर्ल्स के क्या होता है, टीनेजर होती है ना, उनके ड्राई बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, वो उनके फ्रेजी होते हैं, क्योंकि वो बालों को ज़्यादातर खुला रखती हैं, तो इसकी वजह से आपकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रेजी रहती है और दो मुँह बालों की प्रॉब्लम होने लगती है। तो आप लोग लेंथ को अच्छा सा कवर करें, बहुत ज़्यादा डीप ऑयलिंग करें, है ना। स्कैल्प में चाहे थोड़ा कम तेल लगा लीजिए, लेकिन इसका यहाँ पर लेंथ के ऊपर थोड़ा आप ज़्यादा तेल लगाएंगे, डीप ऑयलिंग करेंगे, जिससे आपके बाल हैं
वो मॉइस्चर रहेंगे और आपके बाल है वो बिल्कुल ड्राई नहीं करेंगे, ठीक है, नीचे लेंथ के ऊपर ज़्यादा लगा। इस तरह से पूरा ऑयलिंग करने के बाद में आपको क्या करना है, मसाज दे देनी है। मसाज आप अच्छे से अपने पूरे स्कैल्प की मसाज दीजिए, ओके, 5 मिनट आराम से बैठिए, उसके बाद में खूब रिलैक्स होइए और अच्छे से मसाज दीजिए हर जगह जहाँ पर आपको बालों कम की प्रॉब्लम है वहाँ पर भी। एंड इस तरह से करने के बाद में फिर आप इन्वर्जन मेथड भी करें, जिससे आपके बाल हैं वो क्या हो, आगे की तरफ होता है ना, जब हम इस तरह से इन्वर्जन मेथड करते हैं तो हमारे बाल हैं वो क्या होते हैं, घने होते हैं, क्योंकि स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन है ना वो फास्ट होता है, तो उसकी वजह से हमारे बालों की जो लेंथ है वो भी इंक्रीज होती है और बालों की थिकनेस भी इंक्रीज होती है, दोनों ही इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने इन्वर्जन मेथड भी करना है। तो ये ऑयलिंग का पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया आपको, इस तरह से आपको ऑयलिंग करनी है, ओके। इसके बाद हम वीडियो लेकर आएंगे हेयर वॉश के ऊपर, टेटिनेजर हेयर वॉश कैसे करें, कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए, है ना, किस तरह से करना चाहिए, क्या पहले क्या करें बाद में क्या करें, सब कुछ शेयर करूंगी मैं आपको, ठीक है। तो ऑयलिंग हो गया, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बिकॉज चिश ब्यूटी चैनल पे आपको 100% रिजल्ट मिलते हैं, जो भी आप मेरी DIY उठा लो, चाहे 4 साल पहले की DIY उठा के कर लीजिए, उसका भी आपको रिजल्ट 100% मिलेगा, है ना। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर, बहुत सारे जो हैं आप लोगों में से जो कि मेरी रेमेडी हमेशा यूज़ करते हैं, पिछले 2-3 साल से यूज़ करते आ रहे हैं और हमेशा फीडबैक देते हैं, है ना। तो किसी के इतने शोल्डर तक बाल थे और अभी मेरे जितने बाल हो गए, मेरे से थोड़े से ऊंचे, मतलब इतनी लेंथ इंक्रीज हो गई, बिकॉज वो जेन्युइन तरीके से ऑनेस्टी के साथ में पूरा केयर कर रहे हैं, तो आप खुद रिजल्ट देख सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से अपने बालों की केयर करेंगे, एक एक टिप्स को मैं जो बोलती हूँ उसको ध्यान रखेंगे और उनको अप्लाई करेंगे अपने ऊपर, तो 100% आपको भी ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा, है ना। बाल लंबे भी होंगे, थिक भी होंगे और जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी जाने लगेगी, ठीक है। सो अभी आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए चैनल पे, एंड बहुत सारी रेमेडीज़ है, बहुत ही अमेजिंग और यूनिक रेमेडी है जो कि पूरे YouTube पे आपको नहीं मिलेगी, इतनी रेमेडीज़ अमेजिंग होती है, बिकॉज सारी जितनी DIY है वो मेरी क्रिएटिविटी DIY होती है, सो आपको सेम DIY भी कहीं पर नहीं मिलेगी किसी चैनल पे, है ना, इतने ज़्यादा यूनिक रिजल्ट हैं इसके। सो आप लोग चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, बिकॉज आपका एक लाइक है ना वो मुझे मोटिवेट भी करता है और नई वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है कि आपके लिए मैं नए नए वीडियो लाऊं, और मुझे पता चलता है यार आप लोगों को मेरी इतनी वीडियो पसंद आ रही है, तो लाइक ज़रूर करके जाइए हर एक बंदा, है ना, और शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, जिसके भी बाल आपको कम लगते हैं, है ना, उनको शेयर ज़रूर करें ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें, ओके। एंड ऑयल मेरा लेना है तो आप लोगों को मेरा प्रोसीजर बता दिया, तो इसके लिए आप लोग जो भी लेना चाहते हैं ज़रूर इसको बाय करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, मतलब एक बार आपने इसे ख़रीद लिया ना तो आप हमेशा पूरी ज़िंदगी इस तेल को लगाओगे, मतलब मैं दावा देती हूँ कि आप 100% इस ऑयल को कभी छोड़ेंगे नहीं, इतना अमेजिंग ऑयल है ये, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ अभी मेरी वीडियो का टाइम फिक्स कर दिया मैंने आपको, 6 PM पर एवरीडे वीडियो मिल जाएगी, 6 बजे वीडियो आ जाएगी, अगर आपके पास नोटिफिकेशन आता है या नहीं आता है आप मेरे चैनल पर आकर ज़रूर देख लीजिएगा, आपको 6 बजे मेरे चैनल पर वीडियोज़ मिल जाएगी, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, बाय बाय गाइज। आज मैं आपको 3 रिस्ट वॉचेस का रिव्यू देने वाली हूँ, ये मैंने अपने लिए ली थी, जिसमें आप देख रहे हैं ये वाली जो वॉच है ये मैंने पहले ली थी, है ना, माइकल कॉर्स की और डैनियल कैलिन की, इसकी मैं पहले ली थी, और अभी रिसेंटली मैंने फास्ट ट्रैक की ये ली है जो कि स्मार्ट वॉच अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो मुझे लगा मैं भी इसको एक बार ट्राई करती हूँ और देखती हूँ कैसी है ये, ठीक है। सो अभी मैंने फास्ट ट्रैक की ली है ये स्मार्ट वॉच, तो तीनों ही इसका मैं आपको रिव्यू शेयर कर रही हूँ, बिकॉज आपको पता है कि वैलेंटाइंस डे आ रहा है और आप लोग अपने फ्रेंड्स में या फैमिली में सिस्टर को, ब्रदर को, मम्मी पापा को या अपने फ्रेंड्स को वैलेंटाइन विश जरूर करेंगे और उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट्स देंगे, है ना, तो ये आपको एक आइडियाज मिलेगा कि जो वॉच होती है वो सबकी बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीज होती है और एनी टाइम हमारे रिस्ट पे, हमारी कलाई पे बंधी रहती है ना, तो बार बार आपकी याद दिलाती रहेगी। तो मैं आपको ये 3 के बारे में बताऊंगी और 2 है जो कि मैंने ऑर्डर की है, अभी आई नहीं है बट मैं उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वो भी अपने लिए ले सकते हैं। तो चलिए 1 by 1 हम लोग देख लेते हैं। सो गाइज, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फास्ट ट्रैक की ये स्मार्ट वॉच, ये इस तरह की देखिए मुझे पैकेट में मिली थी और इसमें 3 कलर ऑप्शन है, जिसमें एक ब्लैक है, मैंने ब्लैक मंगाया है, एक इसमें आप देखेंगे तो ये डस्टी पिंक कलर है एंड एक
कोबाल्ट ब्लू, ये तीन कलर में आपको मिलेगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं ओके। एंड इसकी जो एमआरपी है ना, इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। देखिए ये आपकी क्या क्या चीजों को मेंटेन करेगी, हार्ट रेट मॉनिटर का काम करेगी ये, है ना। 20 प्लस स्पोर्ट्स मोड्स भी हैं इसमें, कैमरा कंट्रोलर भी है, हाइड्रेशन मॉनिटर है, स्लिप ट्रैकर भी है इसके अंदर, एंड और भी फंक्शंस हैं। इसकी एमआरपी देखी है 6495, लेकिन अभी जो है अमेजोन पे बहुत ज्यादा अच्छे ऑफर आ रहे हैं, अप टू 80% ऑफर है, अप टू 70% 60% डिस्काउंट है। तो मैंने जो ये ली, मुझे 2500 में मिली है ये, तो बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में मिली। आप ये समझ लो इसकी 6495 का आप हाफ करोगे, उससे भी कम रेट में मिली है। तो अभी बहुत अच्छा टाइम है, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो एक अच्छी स्मार्ट वॉच आप ले सकते हैं। तो ये इस तरह से मुझे मिली है, ठीक है। इसे ओपन करने पर इस तरह इसमें थी, और ये अलग अलग पार्ट मिला था, मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है। ये देखिए इस तरह, ये जो है ना इसकी स्ट्रैप्स, ये अलग से थी और डायल अलग से था, इसमें फिट हो रखा था, ठीक है। इसके साथ में मैनुअल दे रखा है जिसे आप पूरा रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इसके अंदर सारे फंक्शंस हैं वो लिखे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं इसको हमें कैसे वो करनी है, ऑन कैसे करनी है। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसे मैंने कनेक्ट कर दिया है। ये आपके मोबाइल से कनेक्ट होती है, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल सी आएगी, इसमें एक स्कैनर कोड आएगा स्कैन करने के लिए। तो आपको अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, जैसे मैंने फास्ट्रैक की डाउनलोड की है एप्लीकेशन, जो कि नाम है फास्ट्रैक वर्ल्ड नाम से, फास्ट्रैक रिफ्लेक्स वर्ल्ड के नाम से जो एप्लीकेशन थी, गूगल प्ले स्टोर में जाके मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड की। उसके बाद में इसमें स्कैनर जो था उसको मैंने स्कैन करके, और फिर ये उससे कनेक्ट हो जाती है मोबाइल से। एंड इसके साथ में जब ये आपके हार्ट बीट हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताती है, जैसे हार्ट बीट है वो बताती है ना। मैं आपको बताती हूँ, देखिए इसमें ये जो है ना, ये इसका डायल है, इसे हम चेंज भी कर सकते हैं ओके। तो इसके अकॉर्डिंग आप चेंज करते हैं, तो ये अब देखिए इसके अंदर एक्सरसाइज, माई फिटनेस, हेल्थ एप्स है, स्लिप, आप जब सोते हैं तो वो आपका मेजर करता है, वेदर बताता है, म्यूजिक है, नोटिफिकेशन है, क्लॉक एप्स हैं, है ना, फाइंड फोन है, अगर आपका फोन इधर उधर मिस हो गया तो आप इससे अपना फोन को फाइंड कर सकते हैं, फ्लैश लाइट इसमें ऑन हो जाती है सेटिंग्स के अंदर, और ये बहुत सारे इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे जो है कर सकते हैं। इसमें अब देखिए स्लिप, तो आपका इसमें आर्स आ जाएगा कितना, नहीं सॉरी स्टेप्स है कि आप कितना वॉक कर रहे हैं, स्टेप्स कितना चला है आपका, किलोमीटर्स में है ना, कैलोरीज में, ये बताता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये आपकी हार्ट बीट बताएगा, कितना हार्ट बीट आपकी है उसके अकॉर्डिंग, है ना, एंड ये टेम्परेचर बताएगा इसके अंदर, और ये स्लिप मोड में होंगे तब। तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस दे रखे हैं, एंड कॉल वगैरह आती है तो उसका नोटिफिकेशन, मैसेज का नोटिफिकेशन, वो भी सब आता है। तो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है, तो इसको मैंने अभी रिसेंटली ये बाय की है अपने लिए, और लुक वाइज भी बहुत सुंदर लगती है। तो ये अभी मैंने अपने लिए ली है गाइस। और इसके अलावा आप ये ले रहे हैं, इसके अलावा अगर आपको दूसरी बात करें तो ये मैंने पहले ली थी, जिसे मैंने बहुत यूज किया है और बहुत अच्छी है ये, तो बिल्कुल पार्टी वियर लुक देती है। अगर आप शादी वगैरह में जा रहे हैं तो उस वक्त आप इसे पहनिए। ये जो है ब्रांड, ये देखिए आप, माइकल कोर्स की है, और इसकी जो वॉचेज है बहुत ज्यादा लग्जूरियस वॉचेज होती है। ये जो मैंने ली थी ये मुझे 15,000 में मिली थी, मतलब उस वक्त 15,000 थी। अभी मैंने इसका नोट जो है लिंक दे दिया है, आप लोग चेकआउट कर लेना, अभी इसकी प्राइस थोड़ा सा डिस्काउंट में आपको मिल सकती है। सो देखिए बहुत ही ज्यादा यूनिक, बहुत सुंदर वॉच है ये, है ना। इस तरह के पूरे स्टोन लगे हुए हैं और इसका रोज गोल्ड कलर है, ये देखिए। सो ये वॉच भी बड़ी क्लासिक लगती है, तो आप अपने किसी भी फंक्शन वगैरह में इस वॉच को कैरी कर सकते हैं ओके। तो यहाँ पर देखिए दो वॉच, एक मैंने ये ली, एक ये, और एक अब बात कर लेते हैं ये है डैनियल कैलिन की वॉच, एंड इसको मैं रूटीन में बहुत ज्यादा वियर करती हूँ। ये देखिए ये इसको बहुत ज्यादा रूटीन में पहनती हूँ मैं। तो ये इसके बाद अब ये जो मैंने ली है ना, तो अब से मैं इसको ज्यादा पहनने वाली हूँ, क्योंकि ये मुझे बड़ी पसंद आई है। तो ये देखिए इसका लुक भी बड़ा अच्छा है, ये ब्लू कलर की इसकी बेल्ट है, और आपने मेरी काफी वीडियोज में मुझे देखा होगा इसको पहने हुए। तो अभी रिसेंटली मेरे पास ये तीन वॉचेज है, और तीनों ही बड़ी अच्छी क्लासिक है और बहुत ही सुंदर वॉच है, एंड ये तीनों ही मैंने अमेजोन से ली है। अमेजोन पे बहुत अच्छे डिस्काउंट्स आते हैं, तो आप लोग अपने लिए कैरी कर सकते हैं, अपने लिए ले सकते हैं, फ्रेंड्स को दे सकते हैं, अपने पार्टनर को दे सकते हैं, मतलब किसी भी फंक्शन में, जैसे वैलेंटाइंस डे तो उसमें दे सकते हैं, बर्थडे पर दे सकते हैं, है ना। तो इस तरह की वॉचेस काफी ज्यादा क्लासिक लगती है और यूजफुल है ये चीज, है ना, हमेशा यूज रहती है इसकी। तो आप लोग अब भी अपने लिए बाय करना चाहें तो आप लोग जरूर करिए गाइस, और मुझे बड़ी सुंदर लगी है,
और दो लिंक और मैं आपको दूंगी, तो वो भी आप लोग देख लेना, वो अभी ऑन द वे है मेरे पास, जैसी आ जाएगी तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए और सभी के साथ शेयर जरूर करिए, ताकि उनको भी लेने का, वो भी सोच रहे हो तो इस तरह की बेस्ट और अच्छी क्वालिटी की है ना ब्रांडेड चीज आप पहनेंगे तो आप बहुत ही ज्यादा क्लासिक लगेंगे, आप भी बहुत ही ब्रांड के लगेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको पसंद आई होगी। इन सभी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप लोग देख लीजिएगा, अपने लिए जरूर ऑर्डर प्लेस करिएगा। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गाइस बाय।